खाकी वर्दी को हेगड़ी दिखाने वाली ये आम आदमी पार्टी की नेता है जो ट्रैफिक इंस्पेक्टर को चप्पल की धमकी दे रही है। मामला अतिक्रमण से जुड़ा है। नेतागिरी चमकाने के चक्कर में ये भाषा की मर्यादा भी लांग गई। हालांकि खाकी वर्दी पर भी बदतमीजी का आरोप लगा है। घर के दरवाजे तोड़कर पुलिस प्रशासन की टीम अंदर घुस रही है। बुलडोजर से लोगों के आशियाने उजाड़ने जा रहे हैं। अवैध कब्जे को हटाने के लिए यहाँ जंग छिड़ी हुई है। हाथी में लाठी लेकर लोगों को हांका जा रहा है। दरअसल ये लाठी चार्ज, हंगामा, तोड़फोड़ ग्वालियर के फूटी कॉलोनी में हो रहा है। अतिक्रमण हटाने के लिए आई निगम की टीम पर लोगों ने पथराव कर दिया, जिसमें कई पुलिस वाले भी घायल हो गए। SDM भी घायल हो गए। उनकी गाड़ी में भी तोड़फोड़ हुई। इसके बाद तो सड़क पर संग्राम मच गया। पुलिस ने लाठी भांजना शुरू किया, आंसू गैस के गोले छोड़े। हंगामा करने वालों को बल प्रयोग करके काबू में किया गया। कई लोगों को चोटें आई, एक महिला बेहोश हो गई। लोगों ने अतिक्रमण के विरोध में जाम भी लगा दिया। नगर निगम की तरफ से ये कार्रवाई की जा रही थी। इसमें पहले शांतिपूर्ण तरीके से आश्वासन था कि लोग सहयोग करेंगे। उसके बाद में एकदम से लोग उग्र हो गए, उन्होंने पथराव किया। कुछ अधिकारियों को चोटें आई है, कुछ पुलिस वालों को भी चोटें आई है। इसके फलस्वरूप हमको लाठी चार्ज करना पड़ा और टियर गैस चलानी पड़ी है।